अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्शीन और आज की हमारी डिश है चिकन बॉक्स पैटिस। तो उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून बटर हीट कर ले गए। बटर मेल्ट हो जाएगा, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून मैदा और उसे अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। देखिए मैदा थोड़ी देर रोस्ट हो गया है और स्लो फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट्स हम रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मिल्क और इसे इस तरह से स्टर करते रहेंगे। हमें वाइट सॉस बनाना है इसका, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए ये बराबर से पूरा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप चिकन स्टॉक जिसमें हम चिकन बॉईल किए थे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे और थिक सॉस की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसमें ऐड करेंगे हम 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से इसे मिक्स करके स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बॉइल एंड श्रेडेड चिकन। अब ऐड करेंगे 3 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड, 1/2 कप बॉइल कॉर्न, 1 स्प्रिंग अनियन का व्हाइट पोर्शन जो कि है उसका अनियन पोर्शन वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1 बंच स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स। अब इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स। लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मोजरेला चीज और 2 टेबलस्पून प्रोसेस चीज और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी बॉक्स पैटिस की जो फिलिंग है वो रेडी है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि बॉक्स पैटिस किस तरह बनाने हैं। बॉक्स पैटिस बनाने के लिए मैंने यहाँ समोसे की छोटी स्ट्रिप्स ले ली हूँ। देखिए, और जब हम इसे प्लास्टिक से निकाल लेंगे और हम इसे यूज़ करने लगेंगे तब हम इसे एक क्लॉथ से कवर कर लेंगे, वरना ये जो समोसे की स्ट्रिप्स है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और ये टूटने लगेगी। अब सबसे पहले हम 2 स्ट्रिप्स ले लेंगे और सेंटर में हम लगाएंगे थिक मैदा स्लरी और इसे इस तरह से क्रिस क्रॉस रख लेंगे। सेंटर में हम ऐड करेंगे चिकन फिलिंग जो हमने बनाए थे। इस पे हम लगाएंगे मैदा स्लरी और इसी तरह से हम सारे साइड्स को फोल्ड करेंगे। इसी मेथड से हम अब सारी बॉक्स पैटिस रेडी कर लेंगे। अब हम बॉक्स पैटिस को डीप फ्राई करेंगे। इसे स्लाइट गोल्डन कलर तक का मैंने डीप फ्राई कर ली थी और अब हमारे बॉक्स पैटिस रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।